नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि दिल्ली में 28 तारीख को नए संसद भवन का उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है। इसी को लेकर देश भर में सियासत गर्म हो चुकी है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है तो वहीं बीजेपी बचाव कर रही है। लगातार हो रहे विरोध के बीच पटना के वेद विद्यालय में स्वर्ण क्रांति सेना के द्वारा विरोध करने वालों को सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया गया। साथ ही नए संसद भवन के तस्वीर पर दूध से अभिषेक किया गया। इस दौरान कृष्णा कल्लू ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। उन तमाम लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, इसलिए आज हम लोग ने हवन किया है। आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन का उद्घाटन होना तय हुआ है। 28 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। विरोध जिस लोगों के द्वारा किया जा रहा है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो लोग लगते हैं कि पाकिस्तान के एजेंट है, क्योंकि लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन और विरोध करना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि उनकी जो मानसिकता है निश्चित तौर पर पाकिस्तान से मिलता जुलता है। और उन लोगों के लिए आज हम लोगों ने सद्बुद्धि भी के लिए हवन पूजन किया है और नए संसद भवन के हम लोगों ने दूध से दूध अभिषेक किया है। लोकतंत्र के मंदिर का जो अपमान करेगा कभी हिंदुस्तान उसे बर्दाश्त नहीं करेगा।